हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्ना स्क्वायर। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पनीर टिक्का, जो कि है मेरा फेवरेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ते हैं, मैं यहाँ पे एक बाउल ले ली हूँ और उसमें एक कप दही ऐड की हूँ और यहाँ पे 1 टेबल स्पून जिंजर, 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट ऐड कर देना है और यहाँ पे 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ एंड 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून बेसन और इसमें जाएगा 1 लेमन का रस और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी और यहाँ पे सरसों ऑयल को मैंने एकदम हीट कर लिए हैं और इसमें अब ऐड कर देना है और मसाले को अच्छे से मिक्स कर देना है। और मैं यहाँ पे 1 मीडियम साइज के ऑनियन, जिसे मैं इस तरह से कट कर ली हूँ और यहाँ पे 1 शिमला मिर्च लिए हैं, इसे भी स्क्वायर में कट कर लिए और इसे ऐड कर देना है। इसे अच्छे से मसाले में कोट कर लेना है और अब मैं इसमें पनीर ऐड कर रही हूँ और पनीर को भी अच्छे से मसाले में मिक्स कर देना है। अब मैं इसे 30 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख देना है। तो आप ये देख सकते हैं 30 मिनट रेस्ट करते हो चुका है और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और अब मैं हाथ से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे पैन ले ली हूँ, पैन में आप ऑयल या घी से ग्रीस कर ले और इसमें ऐड कर देना है पनीर क्यूब्स और यहाँ पे शिमला मिर्च ऐड कर देना है और इसे मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट कुक करना है। तो आप ये देख सकते हैं 2 मिनट कुक करते हो चुका है और इसमें एक हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। ये देखिए कोटिंग थोड़ा थिक सा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और मसाले को अच्छे से मिक्स कर देना है। और तो चलिए अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पर सीख ले ली हूँ, यहाँ पर कबाब सीख जो होता है ये वही सीख है और इसमें अच्छे से फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पे एक आलू इस तरह से फिल कर दिए इस पर, इससे क्या होगा सपोर्ट बना रहेगा। और अब जाएगा इसमें एक पनीर के टुकड़े और यहाँ पे शिमला मिर्च ऐड कर देना है एंड एक ऑनियन जाएगा। इसी तरह से हम इसमें फिल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं पूरा फिल नहीं की हूँ, हाफ फिल की हूँ। अब मैं आगे की साइड भी आलू के टुकड़े लगा देना है इस तरह से, इससे क्या होगा ये निकलेगी नहीं। और तो चलिए अब इसे रोस्ट कर लेते हैं, इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। टर्न करते हुए इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है और जब भी गेस्ट आए तो आप इसे बना कर रख सकते हैं और हाई फ्लेम पे 1 मिनट रोस्ट करके सर्व कर सकते हैं। और तो आप ये देख सकते हैं दोनों साइड से अच्छे से रोस्ट हो चुका है और अब मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं 1 मिनट रोस्ट करते हो चुका है और बहुत ही अंदर से देखिए कितना जूसी सा है, बहुत ही अच्छा बना है। इसी तरह से हम सारे रोस्ट कर लेंगे। कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और इस रेसिपी को सभी के साथ शेयर कीजिएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सभी के साथ शेयर कीजिएगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।